नमस्कार, मैं हूं हेमा कनौजिया और स्वागत है आपका फरीदाबाद टाइम्स में। नकारात्मक खबरों की भरमार से आज एक सकारात्मक खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हमारे समाज का आधार शिक्षा और स्वास्थ्य को माना जाता है, लेकिन हमारे समाज में दोनों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात की आलोचना करना उचित नहीं समझा और खुद ही शिक्षा में सुधार करने का बीड़ा उठाया। तो आज हम दीदार करते हैं फरीदाबाद के बड़कल पुल के नीचे चल रहे एक शिक्षा के मंदिर का। इन स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका हमारे साथ हैं, जो इनको ज्ञान देती हैं, अच्छी बातें बताती हैं। एक बात बहुत अच्छा जान के इधर आया महसूस हुआ कि पिछले दिनों उरी में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसकी वजह से हमारे एक आतंकवादी हमले में हमारे 17 जवान शहीद हो गए। उन शहीदों को शहादत दी इधर पर इन बच्चों ने, इन शिक्षिकाओं ने उनको बताया कि किस तरह पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे देश में आके हमारे जवानों को सोते हुए शहीद कर दिया। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, तो जानते हैं कि ये किस तरह से स्कूल को चलाती हैं, इनका उद्देश्य क्या है और इनको कहाँ से प्रेरणा मिलती है कि ऐसे बच्चों को लाएं और इधर पे पढ़ाएं। इनका क्या एक आइडियोलॉजी है, किस उससे मकसद से इधर पे एक ओपन स्कूल चला रही हैं जिसमें बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जी मैडम। सर, हमारे स्कूल में शुरू में तो हमने इसलिए शुरू किया था, आसपास मैं देख रही थी झुग्गियों में इतने लोग रहते थे, इतने बच्चे थे, माँ बाप सुबह सुबह उठ कर चले जाते हैं काम करने, और कई बार तो दो दो तीन तीन साल के बच्चे घर जो छूटते हैं, और उनसे बड़े भाई बहन इसलिए पढ़ने नहीं जाते हैं क्योंकि उनको उन बच्चों को संभालना होता है। यहाँ घर के सामने की खाली जगह पड़ी हुई थी पुल के पास, लोग निकल दो यहाँ कूड़ा फेंकते थे, हमने सोचा जगह भी थोड़ी साफ़ हो जाएगी और ये बच्चे पढ़ना शुरू कर देंगे, और इस इरादे से ये जगह साफ़ करके हमने ये स्कूल चलाया। अब यहाँ वो छोटे बच्चे भी हम इसलिए आने देते हैं कि उनकी वजह से बड़े बच्चे यहाँ आ जाते हैं, उनको हम बेसिक्स पढ़ा रहे हैं। अभी तो दो तीन महीने से ये शुरू हुआ है सेंटर हमारा, लेकिन दो तीन महीने में इनको सारी बेसिक्स इंग्लिश हिंदी नंबर्स सिखाना, ये सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। थोड़ा स्पोर्ट्स कराते हैं हम, और उसके साथ साथ कोशिश करते हैं ज़िंदगी की वो छोटी छोटी अच्छी बातें रोज़ बताओ, शायद कुछ समझ में ही आ रही हैं। अब ये बच्चे कूड़ा नहीं फैलाते हैं, हाथ धो के खाना खाते हैं, आपस में कम लड़ते हैं उनको, क्योंकि उनको ये सिखाया जा रहा है कि लड़ने से कुछ नहीं बनेगा। कल अगर हमने स्कूल में शहीद दिवस मनाने की भी कोशिश की, श्रद्धांजलि देने की, तो मैंने साथ में इनको ये भी समझाया कि लड़ना बहुत बुरी बात है, अगर हम आज लड़ने नहीं लड़ेंगे तो कल को शायद बड़े होके आप बड़े होके भी किसी से नहीं लड़ेंगे और समाज में और देश में अपने आप सुख शांति फैलनी शुरू हो जाएगी। यही बचपन के लेसन शायद इनमें से बहुत से लोगों को बड़े होने तक काम आए रहेंगे। मैडम, स्कूलों में आज हम सरकारी स्कूलों का कई, मैंने फरीदाबाद के अंदर गया भिन्न भिन्न, लेकिन आपके स्कूलों में बच्चों को जो नॉलेज है इस प्रांगण में वो उस विद्यालयों में नहीं मिलती है, क्या कमी रह जाती है मैडम? सर, पहली चीज़ तो ये कि हम ये सोच के आ रहे हैं कि हम इन बच्चों को क्या दें, क्योंकि हमें पता है कि इनको बड़े का सहारा भी नहीं मिलता है, इनके पास ना बड़े सारा दिन होते हैं ना वो उनको दो अच्छी बातें समझा सकते हैं, तो वो कमी पूरी करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा दिन में इनको उस इरादे से कुछ अच्छी चीज़ें समझाई जाएं। इनके लिए शायद इनमें से बड़े होकर पढ़ने की किस्में कितनी क्षमता है वो तो ईश्वर जानता है और इनकी किस्मत, लेकिन अभी हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जब ये बड़े हों इनको दुनिया में वो बेसिक शिक्षा मिली हुई रहे जो इनको सारी उम्र काम आएगी। स्कूलों में किताबों की पढ़ाई हो रही है, हम इनको ज़िंदगी की पढ़ाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये बड़े होकर अपनी ज़िंदगी सुख से काट सकें, अच्छी तरह से जी सकें।